एवरीवन, दिस इज अर्ष अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर वॉरफेयर चैनल। तो आज हमने एक न्यूज देखी थी कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो अभी रिकंसीडर कर रही है क्रिप्टो बैन को, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ी और बुरी खबर ये है कि जो बिटकॉइन है इसका प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, करीब $38,000 तक गया है। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इसकी जो वीक है वो बहुत लंबी जा चुकी है, $37,700 तक जा चुकी है। और अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है $38,000 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद जो प्राइस जाने वाला है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, करीब $34,000 तक जा सकते हैं। और इससे सबसे बुरा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो सभी ऑल्टकॉइंस के ऊपर पड़ने वाला है। जितने हमारे कॉइन्स हैं वो अभी से ऑलरेडी ब्लीड कर रहे हैं, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो सभी ऑल्टकॉइंस ऑलरेडी ब्लीड कर रहे हैं। एंड एक चीज़ यहाँ देखने वाली ये है कि जो इथेरियम है वो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इथेरियम क्या कि वो बिटकॉइन के अगेंस्ट चल रहा है, यानी कि जो बिटकॉइन का ट्रेंड है उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा हमेशा नहीं होता और ऐसा सभी ऑल्टकॉइंस के साथ नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं कि इथेरियम का प्राइस करीब $2,700 के आसपास पहुँचा था जो कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है एंड अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की एंड करीब $2,700 तक जा सकता है। और इस वक्त अगर हम इथेरियम की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट है वो $2,500 तक है। अगर यहाँ तक रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाती तो प्राइस नीचे जाएगा, करीब $1,800 तक भी जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह इथेरियम खुद को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख रहा है, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गया है। अगर हम ऑल्ट्स की बात करें या फिर पूरी क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इथेरियम पूरी क्रिप्टो करेंसीज का एक किंग है। ये ऑल्टकॉइन ऐसा कॉइन है जो अपना खुद का ट्रेंड भी बना सकता है, क्योंकि इसकी जो डोमिनेंस है वो करीब 18-20% तक भी है। और वैसे भी इथेरियम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है, इसका इथेरियम 2.0 भी जल्द आने वाला है। अभी इसका एक टेस्टनेट आएगा जो इसी हफ्ते में आने की पूरी संभावना है। अगर ये पॉसिबल होता है तो इथेरियम में और ज़्यादा एक बूम आने वाला है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, डिफाई प्रोजेक्ट्स हैं, डैप्स हैं, इवन यहाँ तक कि NFTs, वो सभी इथेरियम के ऊपर ही बिल्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि इथेरियम का जो यूज़ केस है वो बहुत ही बड़ा है। और वैसे भी अगस्त के महीने में और इसी के साथ अगर हम पूरी बात करें पूरे क्वार्टर की, तो इस क्वार्टर में इथेरियम के बहुत ज़्यादा इवेंट्स आने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने इथेरियम को करीब $4,000 तक देखा था, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है अगर ये सही रैली आती है तो $5,000 तक टेस्ट कर सकता है। वही अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जितने भी यहाँ वेल्स हैं वो एक नीचे आके फिर से एंट्री लेते हैं, एक बहुत बड़ी रैली आती है, तो अभी इस बार अगर ये रैली आएगी तो ये $45,000 को क्रॉस करेगी। लेकिन बिटकॉइन का 38,000 के ऊपर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिटकॉइन का प्राइस ही नीचे नहीं जाएगा बल्कि जितने भी ऑल्टकॉइंस हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड सारी अपडेट्स मैं वैसे भी आपको देता रहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप भी यहाँ जा सकते हैं, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल के नाम से इसका यूज़र नेम है, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। और WRX गिव अवे आज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ किसी भी कॉइन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। एंड रही बात हमारे चैनल की, कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉल्फ्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।